कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को देर शाम ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद आज यानी 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू की ईडी कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के दौरान जब ईडी ने रिमांड मांगी तो संजय सिंह के जो वकील थे माथुर साहब, उन्होंने बकायदा ये पूछा कि किस बिना पर, किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली। इसके बाद अब संजय सिंह को, जो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि अभी संजय सिंह को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है, यानी अब 10 अक्टूबर को संजय सिंह को एक बार फिर इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा 2:00 के आसपास। और उसके बाद ये तय होगा कि आगे ये जांच किस दिशा में जाती है, क्योंकि ईडी ने जो तथ्य रखे कोर्ट के सामने उसमें ये कहा है कि हम लगातार इस मामले में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। 3 लोगों से पहले पूछताछ हुई है, 2 लोगों से और पूछताछ होनी है। साथ ही 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर, उनके घर से हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको कब्जे में लिया है, उसकी भी जांच होनी है। साथ ही कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट करना है, क्योंकि संजय सिंह पर ईडी ने कोर्ट में जब ये कहा कि 3 करोड़ का लेन देन है, संजय सिंह के जो करीबी हैं सर्वेश मिश्रा, उनके जरिए ये पूरा लेन देन हुआ, ये नाम लेकर बकायदा ईडी ने कोर्ट में कहा। और इसके बाद क्या क्या हुआ वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम लगातार कोर्ट में मौजूद थे और उसके बाद लगातार तमाम तरीके की दलीलें दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब अंत में जब ईडी की तरफ से और संजय सिंह के वकील ने अपनी दलीलें रखी, अपनी बातें रखी, उसके बाद लास्ट में जब संजय सिंह बोले तो उन्होंने सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत करी और उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। संजय सिंह ने जब कोर्ट में अपनी बात रखी तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर की पंक्तियों को पढ़ा और उन्होंने कहा कि सच घटे बड़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा वही शख्स जो अब सरकारी गवाह बन गए इस मामले में, उनको ऊपर संजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि ये दोनों व्यक्ति कई महीनों से ईडी के कब्जे में है, गिरफ्त में है, लेकिन कभी उन्होंने शुरुआत में संजय सिंह का इस पूरे मामले में नाम नहीं लिया। और संजय सिंह यही बात कोर्ट में कहते हुए नजर आए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नाम अपने स्टेटमेंट में देना शुरू किया। तो उन्होंने जज साहब से ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने अगर कोई गुनाह किया है तो मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन ईडी ने मुझे एक बार भी समन नहीं भेजा और सीधे मेरे घर पर रेड की सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो ये तर्क संजय सिंह ने अपनी तरफ से दिया। और दूसरी तरफ से जो ईडी के वकील थे उन्होंने लगातार ये बात कोर्ट में रखने की कोशिश की कि संजय सिंह के जरिए जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचा और वो पैसा संजय सिंह के पास वहां से पहुंचा और उसमें संजय सिंह के करीबी हैं सर्वेश मिश्रा, उनका भी नाम बकायदा ईडी की तरफ से लिया गया। तो तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया राउज एवेन्यू कोर्ट में चली और इसके बाद ये फैसला रिजर्व रखा गया। उसके बाद अब 10 अक्टूबर यानी 5 दिन की ईडी रिमांड संजय सिंह को उनको रिमांड में भेजा गया है और अब इंटरोगेशन और ईडी करना चाहेगी। ईडी ने बार बार, ईडी के वकील ये कोर्ट में कह रहे थे कि हमें और पूछताछ करनी है, जो तथ्य हमें मिले हैं, जो दस्तावेज हमने संजय सिंह के घर से बरामद किए हैं उनमें पैसे के लेन देन की बात साबित होती है, इसीलिए हमें उनसे और इंटरोगेशन करनी है, कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करनी है। तो इन तमाम दलीलों को ईडी के वकील की तरफ से दिया गया और जब अंत में संजय सिंह ने कहा कि अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा लंबे समय से कस्टडी में है तो उन्होंने मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया, तो इसके जवाब में ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और इसीलिए उनका नाम मैंने शुरुआत में नहीं लिया। विजय नायर ने उसको धमकी भी दी थी कि अभी 2 और ऐसे लोगों का नाम आना बाकी है। तो ये दलील बाद में ईडी की तरफ से दी गई, ये कहा कि दिनेश अरोड़ा ने ये कहा है कि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए शुरुआत में उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करीब 1.5 घंटे की इस पूरी प्रोसीडिंग के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद जब रिमांड एप्लीकेशन ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी तो पूरे जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त संजय सिंह वहां पर थे और उनके हावभाव से पता लग रहा था कि, और जिस तरीके से जज साहब इस पूरे मामले को सुन रहे थे तो शायद लग रहा था कि उन्हें कस्टडी में ना भेजा जाए। लेकिन पूरी दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन की ईडी कस्टडी में संजय सिंह को भेजा गया है और अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को 2:00 दिल्ली के इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।